नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर खेल मंत्री अशोक जी चांदना को ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ अपूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग को लेकर अशोक चांदना को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ द्वारा 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक जी चांदना को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रवक्ता प्रद्युमन बागड़ी ने बताया कि 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक पिछले कई वर्षों से नियमित करने की मांग को लेकर संघर्षरत हैं, परंतु 3 सरकारों के बदलने के बाद भी हमारी मांग अधूरी है। वर्तमान सरकार ने संविदा कर्मियों के सहित 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों के लिए संविदा सेवा नियम 2022 बनाए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में की गई। और इन संविदा सेवा नियमों में 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को लेकर नियमितीकरण की प्रक्रिया की जानी थी, परंतु 4 से 5 माह का समय बीत जाने के बावजूद भी जमीनी धरातल पर कुछ नहीं किया गया, जिससे 27,000 पंचायत सहायकों में रोष है। नियमितीकरण की मांग को लेकर खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक जी चांदना को ज्ञापन दिया, और मंत्री जी ने हमारी नियमितीकरण की मांग को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, जिस पर मंत्री जी ने जल्द काम करवाने का आश्वासन यहां पर दिया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनोज जी खटीक, महासचिव वरुण शर्मा, प्रद्युमन बागड़ी, मदन मोहन आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, यहाँ पर पंचायत सहायकों के नियमितीकरण को लेकर खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक जी चांदना को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, और इन्होंने इनको बताया कि 3 सरकारें बनने के बावजूद भी आज दिनांक तक पंचायत सहायकों को नियमित नहीं किया, हमारी मांग अधूरी है। वर्तमान सरकार ने बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए, लेकिन करीब 4 से 5 माह होने के बावजूद भी पंचायत सहायकों को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया, जिस पर खेल मंत्री अशोक जी चांदना ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन यहाँ पर दिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।